सो हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सो इसमें दिया हुआ है इन एन एपी, ठीक है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। सो एपी हैज़ गॉट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। सो 50 टर्म्स है एपी में, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म मीन्स ये कौन सा टर्म है, 50th टर्म है, ठीक है, बिकॉज इन टोटल देर आर ओनली 50 टर्म्स। सो 50th टर्म इज 106 एंड वी हैव टू फाइंड द 29th टर्म। तो अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा जो हमने 7th में किया था, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें फाइंड क्या करना है, 29th टर्म। सो मुझे 29th टर्म फाइंड करना है और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा a प्लस 28 डी के इक्वल। ये आपको क्लियर है, 29th टर्म के लिए यहाँ पे 28 आ जाएगा, एक कम होता है। और मुझे और क्या डेटा गिवन है, 50 टर्म है इसमें टोटल और थर्ड टर्म कितना है, 12 है। सो थर्ड टर्म 12 डिवाइड मीन्स ए थ्री इज गिवन एज 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d, बिकॉज यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, ये बताया मैंने, देखिए अभी यहाँ भी देखा। चलिए और क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म इज गिवन एज 106 और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस 49d। ये क्लियर है आपको, a प्लस 49d क्यों होगा। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन की कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस और ये माइनस, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 माइनस 106 होगा और यहाँ पे 2d माइनस 49। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ 47d और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 106 में से 10 आप सब्सट्रैक्ट करवाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 में से 2 और लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 94 और ये भी किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और ये 47 है तो ये देखिए कितने बार में आएगा, ये 2 टाइम्स में आएगा यहाँ पे। सो डी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2। चलिए मुझे डी तो मिल गया अब यहाँ पे इजीली। अब मुझे डी की वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा के ना मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। देखिए आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस डी इन इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 इंटू, डी की वैल्यू क्या है, 2। डी की जगह पे क्या रखा मैंने, देखिए 2 रखा है। तो 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 4। तो मेरा इनिशियल टर्म क्या हो गया, यहाँ से 8 हो गया। अब जैसे इनिशियल टर्म 8 आ गया मेरा, तो अब मैं इजीली इसे फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसे फाइंड करने के लिए मुझे ए चाहिए था और डी चाहिए था, दोनों मेरे पास आ चुके हैं। सो ए 29 विल बी इक्वल टू ए विच इज 8 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस विच इज 2। सो 28 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 56। सो 8 प्लस 56 हो जाएगा ये 29th टर्म। तो देख लीजिए क्या हो गया यहाँ से, 29th टर्म ए प्लस सॉरी 8 प्लस 56 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 64। तो 29th टर्म आपको क्या मिल गया, 64। सो गाइस दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।